बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं, आम चौखेले पे। गर्मी आ रही है और बहुत जोर से, बहुत तेज गर्मी शुरू हो चुकी है। इसी में किंग फ्रूट्स, जिसे हम फलों का बादशाह भी कहते हैं, आम की भी एंट्री हो चुकी है। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के लिए आम पे एक छोटी सी खूबसूरत वीडियो बनाऊं। साथ में हमारे भाई भी खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आम के कितने अकसाम होते हैं और इनमें अगर हमें पता ना हो कि कौन सा पीता है या कौन सा मीठा है, तो किस तरह हम दुकानदार से बात करते हुए मीठा आम घर ले जा सकते हैं। तो बात करते हैं अपने दोस्त से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद आरिफ बाई दारा तू मार्केट की मौजूद दी او پر اس کا کمون ولر شو مت اندازہ نہ لگی یا زما پسند اس نورمل گری ابھی تا اندازہ نہ لگی چہرا کم لو ام خوب دے یا کم پیتا دے او ہر یو کس غوڑ چہرا خوب ام اوری مدد دی و من رسنگا دکاندار تا وای چہرا ان لو خوب ام پکار دے بجائے دلی سے من ورتے نو وای چہرا دکاندار با پوچھ او یارا دا کس کوئی دی نا رقم کم دے سی کس مون دی چہ اغا او اجوی پرے کہ پو دا ٹول ناول چمسرا ټول نزیات هغه کنا خو غیره تدامونو بچا ویل کیږي څنګه په خوګوالي په لحاظ سره دا ډیر خوږي دا پسې سنړې دی دا پسې لنګړې دا شان لا تور دی او پسې مالټا سرولې دا به په آزاد شان دی او ویور دا بای نه جس طرح موږ بتایا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو میٹھا جو عام ہوتا ہے وہ چون سا ہوتا ہے اس کے بعد لنگڑا آتا ہے پھر اس کے بعد سنڑی آتی ہے تو یہ کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ نہیں جان سکتے کہ कौन सा मीठा है और कौन सा जो है पीका आम है, तो आप नाम के लिहाज से भी दुकानदार से ये चीज मांग सकते हैं कि मुझे सिंधी आम चाहिए, कौन सा आम चाहिए। तो इससे ये है कि गाल को ये पता होना चाहिए कि मैं दुकानदार से अगर कोई नाम के लिहाज से आम मांग रहा हूँ, तो दुकानदार भी सोचता है कि इसको पता है कि कौन सा आम ये लेता ले रहा है, तो वो उसको गलत चीज नहीं देगा। तो यही बात है ना, लगा रोल में दास दे चला के पनुम माने मुंग हुआ चेहरे दानु वाला आ रहा कौन सा था या दारा के नदी के दारे के दुकानदार मुंग से धोखा नहीं शिखो नहीं शिखो रे ना बिल्कुल धोखा नहीं शिखो रे बल दल तो दा अमुनो दा कसम पहचान चे कंदे निश तक ना दा पा पंजाब के डेढ़ जात दा की या खलक की पुई दल तो सब पहचान नहीं शिखो ले दान। अब जिस तरह भाई कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो उसकी पहचान बहुत कम है, लेकिन पंजाब साइड पे ये आमों का कारोबार बहुत ज्यादा पंजाब के साइड पे होता है, तो उन लोगों को ज्यादातर पता होता है, वो भी बड़े बड़े डीलरों को, तो ये कौन कौन से आम जो है वो मार्केट में से खरीदने चाहिए, कौन से जो है वो बेचने चाहिए। उस तरह कोई पीका होता है, कोई जो है मीठा होता है। तो ये आपके सामने है भैजान, ये कौन सा वाला आम है? ये माल्टा सरोली। ये आप देख सकते हैं, ये माल्टा सरोली है। ये अगर आप जिधर भी जाए ना, तो ये माल्टा सरोली जो है इसका नाम याद रखे। इस तरह जो है ये लंगड़ा आम, इस तरह ये जो है ये सिंदरी, ये तीनों नाम जो मैंने आपको बताए और साथ में दिखाई दिया आम, तो ये आप ठेले वाले से या दुकानदार से नाम लेके खरीद लो, तो ये इसमें फायदा ये होगा कि आपको अच्छी क्वालिटी के और खूबसूरत और मीठे आम मिलेंगे। व्यूअर्स, मैंने आज आपको आम के सिलसिले में ये चीज बताई। एक दूसरी बात ये भी है साथ में, अगर आप अगर आम को मीठा या पीठा इसमें भी देखना चाहते हो, तो हल्का सा अपने जो अंगूठा है थोड़ा सा दबाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये आम अंदर से जो है पका हुआ है कि नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो आम है वो कार्बेट से पके हुए होते हैं। तो ये चीज लाजमी चेक किया करे, ये देख के आप हल्का सा दबाने से जो है वो अंगूठा इसमें चला जाता है, तो मतलब ये है कि ये पका हुआ है। इस आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचाते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज़।